नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आपका स्वागत और मैं सुरेंद्र सिंह। देखिए आज की महत्वपूर्ण खबरें जो देखना है जरूरी। पटेल नगर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया चोरी का खुलासा। थाना कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने 19 सितंबर को पटेल नगर क्षेत्र में हुई चोरी का महज 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए एक गैंगस्टर सहित 3 अन्य शातिर चोरों को चोरी करते लगभग 7 लाख के जेवर बरामद कर गिरफ्तार किया। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर के अनुसार बहुत लंबे समय से कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में बंद घरों में ताला तोड़कर चोरी करने की सूचनाएं मिल रही थी, जिस पर पटेल नगर पुलिस ने गहरी छानबीन करते हुए 4 आरोपियों आशीष कश्यप, रोहित तोमर, शाहरुख और तरुण शर्मा को गिरफ्तार किया। चारों अभियुक्त हापुड़ के रहने वाले हैं। इन चारों आरोपियों में से 3 आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा। रोहित तोमर जो कि इस गैंग का लीडर है, जिसके खिलाफ पूर्व में 8 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 3 लूट के और 1 गैंगस्टर का मामला भी दर्ज है। दूसरा आरोपी आशीष कश्यप बीटेक पास कर चुका है, जिसके खिलाफ पूर्व 4 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि 1 आरोपी शाहरुख बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र है, इसके विरुद्ध भी पूर्व में 4 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस द्वारा पूछताछ में इन अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वो बंद घरों की रेकी करते थे और उसके बाद रात के समय ताला तोड़ते थे। पटेल नगर पुलिस की प्रशंसा करते हुए एसएसपी दलीप सिंह कुंवर द्वारा मामले का 24 घंटे में खुलासा करने वाली टीम को 5,000 का इनाम भी दिया गया है। 19 तारीख को पटेल नगर थाने में एक नगरजनी का जो है मामला पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग का अनावरण कर लिया है। 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं। ये चारों हापुड़ रहने वाले हैं। इन चारों में से इनका गैंग लीडर जो है रोहित तोमर है। इस विरुद्ध 8 मुकदमे हैं, जिसमें से 3 लूट के ही हैं। 3 लूट के मुकदमे हैं और अन्य जो है एक गैंग साइड का भी है, एक नकबजनी का है। दूसरा जो है इसका जो एक शाहरुख है, इस गैंग का जो 2IC है या सेकेंड इन कमांड, उसके विरुद्ध जो है 4 मुकदमे हैं। 4 मुकदमों में से इसमें 3 तो नकबजनी गई हैं और एक आम सेट का है, एक आशीष नाम का लड़का है, आशीष कश्यप, ये बीटेक है। इसके विरुद्ध भी जो है 4 मुकदमे हैं, जिसमें 3 तो आपके आशीष के विरुद्ध जो है 2-3 जो है वो नकबजनी के मामले हैं और शाहरुख जो है वो BSc फर्स्ट ईयर का लड़का है। ये इनका आपराधिक इतिहास भी है। इसमें जो भी आभूषण गया था चोरी मारे, उसके 100% पुलिस ने रिकवर कर लिया है। पुलिस को मेरे तरफ से 5,000 का मैं इनाम दे रहा हूँ और ये बहुत कम समय में पुलिस ने रिकवरी करके एक अच्छा गैंग वर्कआउट कर लिया है। आभूत रहने वाले हैं, सब इनको जानते हैं और इनका मोटिव सब ये था कि ये आकर के रेकी करते हैं। रेकी करने के बाद ये अपना घटना को कारित करते हैं और इसमें अब अभी फर्दर विवेचना चल रही है। इसमें जो भी चीज़ें होंगी, कैसे आई, किस तरह से इन्होंने और किनका यहाँ संपर्क होते, कैसा रहा, कैसे डेवलप किया, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। आगे के अपडेट के लिए बने रहें डीसीबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।